गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज टिफिन में बनने वाली है गुजराती ऑथेंटिक सब्जी और ये मेरी दादी माँ की रेसिपी है जिसे हम दुधीना लासरा कहते हैं। तो आज हम सिंपल सब्जी रोटी बनाएंगे और मैं जितने भी एप्रन, रोटी मैट, रोटी बास्केट यूज़ कर रही हूँ वो सब फ्लोरिना ब्रांड का है और इसका कलर और मटेरियल बहुत अच्छा है, आपको बहुत सारी वेराइटी में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हो। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भरवा मसाला लिया है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो। उसी के साथ हम हरा धनिया ऐड करेंगे और मसाले में बाइंडिंग आ जाए उतना तेल ऐड करेंगे और कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जी बनाने के लिए मसाला रेडी है। अब दूधी का लासरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधी लौकी ली है और एक आलू लिए हैं, दोनों के छिलके निकाल कर धो लिया है। और इसमें भी बीच में इस तरह से दो कट्स लगा देंगे। अब हमने जो कट्स लगाए हैं इसमें हम मसाला स्टफ करेंगे। तो इस तरह से हम सभी लौकी में मसाला स्टफ कर लेंगे। और आलू को हम बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे और थोड़ा सा मसाला जो बचा है इसका हम बाद में यूज करेंगे। अब सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर में तेल लिया है, तेल गर्म हो जाए तो सिर्फ जीरा ऐड करेंगे और हींग डाल देंगे और इसमें हम सब्जी भी ऐड करेंगे और बड़े टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब सब्जी में ग्रेवी कितनी चाहिए उसी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं और बचा हुआ मसाला भी ऊपर डाल देंगे। अब इसे 3 विसल होने तक पका लेंगे और जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैं चाय भी बना लूंगी और चाय में हिल ट्री प्रीमियम टी यूज करती हूँ और ये काफी स्ट्रांग है और इसमें अच्छा खासा ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 500 ग्राम हिल ट्री टी लेंगे तो आपको 250 ग्राम फ्री मिलेगा। तो चाय उबल रही है तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। कुकर भी ठंडा हो गया है तो हम इसे देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है, तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा गुजराती स्टाइल दूधीना लासरा रेडी है। अब यहाँ पर हम शिमला मिर्च का संभारा भी बना लेंगे। तो थोड़ा सा तेल लेंगे, तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम अचार मसाला ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब उसी के साथ हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी। अब शिमला मिर्च थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे और शिमला मिर्च को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खाने में इसका क्रंच अच्छा लगता है। और आपको कितना खट्टा टेस्ट पसंद हो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हो और धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा शिमला मिर्च का संभारा रेडी है। कलर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा शिमला मिर्च का संभारा रेडी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जी और संभारा रेडी है। तो यहाँ पर मेरी रोटी भी रेडी है और रोटी को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी अनिरे पेपर फोइल लिया है क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं और इसका हम रीयूज भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये है रोटी, तो ये है मज़ेदार सब्जी दूधीना लासरा और शिमला मिर्च का संभारा और साथ में है छाछ। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो मुझे भी आइडिया आएगा।